कद्दू का कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कद्दू को कद्दूकस कर लिया है और उसको एक कपड़ा में डाल के, सूती कपड़ा में डाल के इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है ताकि इसका पानी बाहर निकल जाए और कद्दू इस तरह से एकदम ड्राई हो जाए। और इसका कोफ्ता बनाने के लिए जो जो चीज़ का हमें ज़रूरत है वो मैं बताती हूँ। ये है बेसन, ये है चाट मसाला, ये है ब्लैक पेपर और ये है काला नमक और ये है उबले हुए आलू, कटी हुई प्याज, हरी मिर्चाई कटी हुई, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। तो यही सब चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ेगा। हेलो माय ट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबको रौनक ब्लॉग 786 में। तो गाइस, मैं आज आप सबको दो दो रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले सिखाऊंगी कद्दू का कोफ्ता कैसे बनाया जाता है वो, और उसके बाद मैं बेंगोली स्टाइल में कतला फिश बनाऊंगी और वो है कतला फिश का कालिया, जिसको बेंगोली में बोलता है कातुल माछेर कालिया। तो वो मैं बना के दिखाऊंगी। आज मैं दो दो रेसिपी आप सबको बनाना सिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत दिन से आप सबको रेसिपी कोई शेयर नहीं की हूँ, बिज़ी थी। आप सब तो जानते हैं कि मैं अपनी छोटी बेटी का एंगेजमेंट लेके बहुत बिज़ी थी। तो अभी तो लड़का का एंगेजमेंट हो गया है, मेरी बेटी का भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग में एक साथ एंगेजमेंट नहीं होता है, सबका अलग अलग रीति रिवाज है, हम लोग में अलग है। तो मेरी बेटी का होगा, बाद में होगा, कब होगा वो मैं आप सबको बता दूंगी। और जब मैं बताऊंगी तो मैं पूरा ब्लॉग शेयर करूंगी आप सबसे, क्या क्या खरीद रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, वो सब शेयर करूंगी। तो आज चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी मैं बनाऊंगी जो आज, वो है सबसे पहले बनाऊंगी कद्दू का कोफ्ता। तो कद्दू का कोफ्ता मैं कैसे बना रही हूँ वो आप लोग देखिए। तो चलिए देखिए, फॉलो कीजिए। देखिए कद्दू कस मैंने कर लिया है, इसमें जो उबले हुए आलू है वो मैं डाल दूंगी ऐसे करके। आलू को पूरा निचोड़ देना पड़ेगा। और इस प्लेट में जितना सारा सामान है सब डाल देना पड़ेगा। और ये जो बेसन है ये भी डाल देना पड़ेगा। बेसन नहीं देने से होगा नहीं, बेसन जरूरी है। अब थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी मैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी, थोड़ा सा काला नमक डालूंगी। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से। इसका हमें अच्छा एक डो बनाना है। इसे अच्छे तरह से हमें डो बनाना है। थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, अच्छा से बनेगा। तो देखिए गाइस, डो बन गया है और हाथ को मैंने अच्छे तरह से पानी से धो लिया है। अब इसे छोटा छोटा हमें कोफ्ता का राउंड शेप में हमें देना है, जैसे कोफ्ता बनता है वैसे कोफ्ता बना के प्लेट में रखना है। तो देखिए किस तरह से मैं कोफ्ता बनाती हूँ, उसी तरह से ले लेके कोफ्ता बनाती हूँ। सारा कोफ्ता बना के मैं लास्ट में आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने सारा कोफ्ता बना के यहाँ रख दिया है, उसके बाद मैं क्या करूँगी। आगे बने रहिए और ब्लॉग में मेरा बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, स्किप करके तो बिल्कुल मत देखिएगा। और पूरा ब्लॉग देखिए कि आज मैं कैसे कद्दू का कोफ्ता बनाती हूँ और फिश का करी बनाती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए गाइस, मैंने सारा कोफ्ता को राउंड राउंड शेप में बना दिया है। और इसी टाइप में सबसे पहले हमें बना लेना है, उसके बाद ऑयल में हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसको ग्रेवी में डाल के हमें बनाना है। ये बाद की प्रोसेस है, तो बाद में दिखेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए गाइस, ये कतला फिश है और ये है
आधा किलो कतला फिश। इसका मैं आज बंगाली स्टाइल में कतला फिश का कलिया बनाऊंगी। और वो मैं कैसे बनाती हूँ देखिए, कोई सा छोटा पीस है कोई सा बड़ा ही है, तो मैं ही की हूँ। कुछ पीस बड़ा बड़ा था तो मैं छोटा कर दी हूँ और कुछ पीस बड़ा ही रखी हूँ। तो इसका मुझे कालिया बनाना है, कतला फिश का कालिया, तो वही मैं बनाऊंगी। तो आप सब तो इसके लिए सबसे पहले हमें मैरिनेट करना है नमक से। ये नमक डाल दिया है मैंने और हल्दी डाल दिया है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 10 मिनट के लिए छोड़ देने से अच्छा से फ्राई होता है। और इसको बाद में फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद फिर मैं इसको बनाऊँगी। तो इसको सबसे पहले हमें अच्छे से मैरिनेट करना है, बहुत ही अच्छे से, जैसे नमक फिश के अंदर अच्छे से चला जाए। तो देखिए गाइस, मैंने अच्छे से नमक और हल्दी देके इसको मैरिनेट कर लिया। इसको मैं 10 मिनट तक छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसे फ्राई करूंगी। तो चलिए गाइस, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लौकी का कोफ्ता बनाती हूँ। जो मैं कोफ्ता राउंड राउंड बना के रखी थी, तो सबसे पहले हमें उसे फ्राई कर लेना है। मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिया था, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो और ऑयल मेरा गर्म हो चुका है और उसमें मैं एक एक करके सारा कोफ्ता को डाल रही हूँ। ज़्यादा कोफ्ता को नहीं डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा कोफ्ता डाल के ही इसे फ्राई करना है। ज़्यादा कोफ्ता डालिएगा तो ये एक दूसरे से चिपक जाएगा और टूट जाएगा, इसीलिए कोफ्ता को कम कोफ्ता ही डाल के फ्राई करना है। तो देखिएगा इस एक तरफ फ्राई हो चुका है, मैं इसे पलट रही हूँ। इसी तरह से सारे कोफ्ता, जितना सारा कोफ्ता है, सारे कोफ्ता को हमें इसी तरह से सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। और बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि ये जो लौकी का कोफ्ता होता है बहुत ही नरम होता है और फ्राई करते करते भी टूट सकता है, इसीलिए इसे केयरफुली फ्राई करना पड़ेगा। तो सारा कोफ्ता को मैं इसी तरह से सबसे पहले फ्राई कर लूँगी। तो देखिए गाइस, एक तरफ का कोफ्ता मेरा फ्राई हो चुका है और अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए लाल लाल करके मैं फ्राई कर ली हूँ। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह से बाकी का जितना सारा कोफ्ता है सारा मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी और एक प्लेट में निकाल लूँगी। गाइस, इस कोफ्ते को हम लोग कद्दू का भी कोफ्ता बोलते हैं, लौकी का भी कोफ्ता बोलते हैं, क्योंकि कद्दू और लौकी दोनों एक ही होता है। तो अब देखिए, मैं बाकी सब जो कोफ्ता बचा हुआ है वो सब फ्राई करने के लिए इसमें डाल दी हूँ। गाइस, कोफ्ता तो मेरा फ्राई हो चुका है। अब मैं दूसरा रेसिपी की तरफ जाती हूँ। इसी ऑयल में मैं अब फिश भी फ्राई कर लूँगी। जो फिश मैं मैरिनेट करके रखी थी हल्दी और नमक डाल के, वही फिश मैं इसी ऑयल में एक साथ फ्राई कर लूँगी, क्योंकि पहले कोफ्ता को फ्राई की, अब मैं फ़िश को फ्राई करूँगी। और मैं आज आप सबको दो दो रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, तो इसीलिए पहले कोफ्ता को फ्राई की, अब फिश को फ्राई करूँगी। और आज मैं आप सबको दिखाऊँगी बंगाली स्टाइल कातल माछेर कालिया। इसे बंगाली में कातल माछेर कालिया बोलता है। तो ये रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है गाइस। इतना टेस्टी बनता है, आप लोग एक बार बना के खाओगे तो बार बार खाने के मन करेगा। और जो बंगाली है उसे तो पता ही है, और जो नहीं है वो लोग आप मेरे ब्लॉग के जरिए आप लोग सीख सकते हो। मैं सिंपल और इजी तरीका से सिखाती हूँ और आप लोग आसानी से सीख पाओगे। जो कभी खाना नहीं बनाए हो वो भी सीख पाओगे। तो सबसे पहले हमें फिश को फ्राई करके उठा लेना है।
देखिए गाइस, मैंने सारा फिश को फ्राई कर लिया है। अब इसे मैं बाहर एक प्लेट में निकाल चुकी हूँ। उसके बाद जो बाकी बचे हुए ऑयल है उसमें मैं थोड़ा सा जीरा फौरन डाल दूँगी, और उसके बाद इस मिक्सी ग्राइंडर में जो देख रहे हैं इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और काली मिर्च को मैंने मिक्सी ग्राइंडर में मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और जीरा फोरन के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट को हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कच्चापन, जो कच्चा स्मेल रहता है, वो बाहर चला जाए। उसके बाद 6 से 4 चम्मच हमें जो मिक्सर ग्राइंडर में मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ मसाला, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और काली मिर्च, इसे हमें डाल देना है। और उसके बाद इस मसाला को छन्नी के सहारे हमें अच्छी तरह से भूनना है, और अच्छे से भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन बाहर निकल जाए। सबसे पहले मैं आपको फ़िश बनाना सिखा रही हूँ, जो कतला फ़िश का कालिया है, और ये मसाला हमें अच्छी तरह से भूनना है। और कालिया जो बनता है ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। तो सबसे पहले हमें पानी डाल देना है। पानी इसलिए डालना है ताकि ये कढ़ाई पे मसाला चिपके नहीं, और इस मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, टेस्ट मुताबिक नमक, और रंग आने के लिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देना है, और इसको छलनी के सहारे अच्छे से हमें भूनना है। और मसाले को जितने अच्छे से भूनिएगा उतना ही टेस्टी और यम्मी बनता है। इसी तरह से हमें चलाते रहना है। चलाते चलाते मसाले को इस तरह से भूनना है ताकि चारों तरफ से ऑयल बाहर रिलीज़ हो जाए। ऑयल बाहर रिलीज़ होने का मतलब मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हमें सरसों डाल देना है, पीसी हुई सरसों। मैं पहले से पीस के रखी थी, और सरसों को जब भी डालिएगा उसको छान के डालिएगा। छान के डालने से सरसों का जो छिलका होता है वो बाहर निकल जाता है, और छिलका अगर ग्रेवी में रहता है और मुंह में आने से वो छिलका तीता करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सरसों को अच्छी तरह से छान के हमें उसका ग्रेवी बनाना पड़ता है। सरसों डालने के बाद जो कतला फिश का कालिया होता है वो और भी टेस्टी होता है, क्योंकि कतला फिश का कालिया में सरसों डालना ही पड़ता है। कोई पोस्ता दाना भी इसके साथ डालता है, आप लोग भी डाल सकते हो। अब इसमें हमें थोड़ा सा और पानी डाल देना है ताकि ग्रेवी थोड़ा सा पतला बने। इसका ग्रेवी अगर पतला बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लोग को थिक चाहिए तो थिक बना सकते हो। अब इसे हमें ढक देना है एक उबल आने तक। देखिए गाइस, एक उबल आ चुका है। अब इसमें जो फ्राई किया फिश है वो हमें इस ग्रेवी में डाल देना है, और ग्रेवी में डालने के बाद थोड़ा सा हमें फिश के साथ, ग्रेवी के साथ दोनों को चला देना है छन्नी के सहारे। चलाने के बाद इसे हमें ढक के 5 मिनट के लिए इसे हमें छोड़ देना है चूल्हे पे कम आँच में, ताकि जो हमारा फिश है वो अच्छे तरह से सेट हो जाए और अच्छा बन जाए। तो इसी तरह से कतला फिश का कालिया बनता है। जो मैं प्रोसेस आप लोग को बताई हूँ सेम इसी प्रोसेस से बनाइएगा। तो देखिए, मैं नमक टेस्ट करके देख रही हूँ कि नमक थोड़ा सा कम हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दी हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा, अच्छी तरह से मेरे हिसाब से फॉलो कीजिएगा और देखिएगा, तभी आप लोग बना पाइएगा। जब तक फिश पक रहा है तब तक हमें दूसरा प्रोसेस में चले जाना चाहिए। अब मैं लौकी का कोफ्ता बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है, और उसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें एक तेज़पत्ता डाल दिया, 2 सूखी मिर्ची डाल दिया है, और 5 फोरन डाल दिया है, और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा कटी हुई प्याज इसमें हमें डाल देना है। अब गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हमें भूनना है। जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होगा तब तक भूनना है, और चलाते हुए भूनना है ताकि प्याज हमारा जले नहीं और गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से। तो देखिएगा, इस प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब प्याज के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट को हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो इसका कच्चापन स्मेल है वो बाहर निकल जाए, और अच्छे से हमें भूनना है। इसी तरह से भूनने के बाद इसमें हमें जो ग्राइंड करके प्याज, टमाटर, मिर्चाई और काली मिर्च करके रखी थी उसको हमें डाल देना है। उसको जितना बचा हुआ था फिश बनाने के बाद वो पूरा मैं डाल दी हूँ, और पानी डाल के वो पूरा मैं इस कढ़ाई में डाल चुकी, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। इसी तरह से हमें ये जो
लौकी का कोफ्ता है उसका मसाला बनाना है। इस मसाले में अब टेस्ट मुताबिक हमें नमक डाल देना है और एक चम्मच जीरा पाउडर डाल देना है और एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है और रंग आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च हमें डाल देना है। अब इसे हमें छन्नी के सहारे इसे हमें चलाते रहना है। तो गाइस इसमें मैं दो इलायची, दो लौंग और दो दालचीनी डाली थी, लेकिन उस वक्त सूट करना भूल गई थी। तो आप लोग इसमें लौंग इलायची डाल दीजिएगा और दालचीनी भी डाल दीजिएगा। मैं सूट करना भूल गई थी इसलिए मैं डाली नहीं थी। तो देखिए गाइस मसाला मेरा अच्छी तरह से भून चुका है, चारों ओर से ऑयल रिलीज़ हो चुका है। तो इसका मतलब मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हमें ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो देखिए जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना मैं पानी डाल रही हूँ। आप लोग को अगर कम चाहिए तो कम डालना, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालना। मुझे हिसाब मुताबिक चाहिए, जितना मुझे डालना है मुझे अंदाज मुताबिक मैं पानी डाल दी हूँ। अब इसे ढक के हमें एक उबल आने तक इसे ढक देना है। तो देखिए गाइस एक उबल आ चुका है। अब इसमें हमें फ्राई जितना करके रखी थी लौकी का कोफ्ता वो सारा हमें इसमें डाल देना है और छलनी के सहारे इसे चला देना है। अब थोड़ा सा नमक टेस्ट करना है कि नमक हुआ है कि नहीं। तो नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैं नमक डाल दी हूँ। अब देखिए मेरा जो लौकी का कोफ्ता है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा के रखना नहीं है, इसको ढक देना है। ढक देने के बाद चूल्हा को हमें बंद कर देना है। देखिए थोड़ा सा उबल आ चुका है, अब इसे ढक करके मैं बंद कर दूँगी। तो उससे पहले मैं इसमें कस्तूरी मेथी हाथ से निचोड़ के इसमें डाल दूंगी ताकि इसका जो स्मेल है और भी अच्छे से उभर के आए और लौकी का कोफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी बने। तो इसी तरह से मैं लौकी का कोफ्ता बनाती हूँ। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ और चूल्हा का फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। इस तरह से मेरा लौकी का कोफ्ता बन जाए। तो देखिए गाइस ये जो दिखा रही हूँ ये है मेरा फिश का कालिया, कतला फिश का कालिया, ये भी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और इधर देखिए ये है लौकी का कोफ्ता, ये भी बन के मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसे आपको परोस के दिखाऊंगी। जब मैं लंच करूंगी तब मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं कैसे लंच कर रही हूँ और कैसे इसे परोस रही हूँ। तो देखिए मैंने एक प्लेट ले लिया है, उसमें मैंने चावल डाल दिया है। चावल को कितने अच्छे से मैंने डेकोरेशन किया। उसमें सलाद में मैं खीरा डाल रही हूँ, दो प्याज डाल रही हूँ। और सलाद होना तो ज़रूरी है, सलाद नहीं होने से कोई भी टेस्ट नहीं करता है। और दो हरी मिर्ची डाल दी हूँ और दो पापड़ भी डाल दी हूँ। अब मैं इसके साथ कतला फिश का कालिया और लौकी का कोफ्ता मिलाकर खाऊंगी। तो देखिए गाइस ये है मेरा आज का लंच, ये है लौकी का कोफ्ता और ये है कतला फिश का करी या कालिया, ये है मेरा चावल, पापड़, हरी मिर्चाई, प्याज। और तो आज मैं ये लंच करूंगी और आप सबको बताऊंगी कि ये जो फिश है कैसा बना है और ये जो कोफ्ता है लौकी का ये कैसा बना है। देखिए मैंने नींबू भी लेके आया क्योंकि नींबू डालने से और भी ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए नींबू से खाना है। तो इधर तो सबसे पहले मैं आप सबको लौकी का कोफ्ता से खा के बताती हूँ कि कैसा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी हुआ है गाइस। और इसी तरह से आप लोग भी लौकी का कोफ्ता बनाइएगा और खाइएगा, गेस्ट को भी खिलाइएगा, उंगलियां चाट के खा जाएंगे। अब मैं आप सबको फिश खा के दिखाती हूँ। इसमें अगर नींबू निचोड़ के खाइएगा तो और भी ज़्यादा टेस्टी रहेगा।
तो गाइस आज मैं आप सबको दो डिश बनाना सिखाई हूँ। एक है लौकी का कोफ्ता और एक है कतला फिश का कालिया, जो बंगाली स्टाइल में इसे कतला फिश का कालिया बोलता है और आप लोग कहीं भी बोल सकते हो। तो आज मैंने ये दो रेसिपी बना के आप लोग को दिखाया है। आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स है, जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज डालूँ उस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक है, फिर मैं न्यू ब्लॉग लेके फिर से मैं आप सबके पास आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।